सर। अवनीर वेरी नाइस जॉब। एक डीप ब्रेथ ली और बोला हो गया है भाई, चिल कर। फिर मेरे को पता चला कि बहुत कम टाइम बचा है, भाई कूद और भाग, रिप्लेटिंग कर और जनरेश को वो लेकर जाने दे। आखिरी 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 10, 9, 8, 7, come on, 6, 5, 4, 3, 2, 1, that's it, काम बंद, कदम पीछे। अमूल प्रेजेंट्स जूनियर मास्टर शेफ स्वाद के उस्ताद का जन्माष्टमी स्पेशल का खाना चखा जाए। यस शेफ। देवेंद्र अपना खाना पेश कीजिए। जो आपने डिश बनाई है उसका नाम क्या है? ये है राजस्थानी हलवा विद स्टफ पूरी और तीखी मीठी कद्दू की सब्जी। ये जन्माष्टमी पे बहुत अच्छे से राजस्थान में बनाई जाती है और सब लोग इसी का भोग लगाते हैं कृष्ण भगवान को। स्टफिंग किस चीज की है? ये आलू मसाला है, इसके अंदर स्पेनिच है, कोरिएंडर है। बहुत मुश्किल है आलू और पालक को भरकर पूड़ी को फुलाना और वो ढंग से फूलिए। आलू का हलवा, आपने आलू को ढंग से भूना है और फिर उसको पकाया, उसके अंदर दूध बिल्कुल अंदर तक गया है और उभर कर एक हल्का लाइट हलवा बना है और मीठा हलवे में बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस। ये डिश बहुत अच्छी है लेकिन अब तक की पहली डिश है। इसके आगे की डिशेस देखते हैं कि इसके टक्कर की है या नहीं। डिश का नाम क्या है? जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की? यस। हाथी घोड़ा पाल की? हाँ। डिश का नाम? कृष्णा भोग रीमिक्स। रीमिक्स क्या इसमें? शेफ जो कृष्णा मेरी दोस्त है तो मैं अपने दोस्त को 3000 साल से एक ही टाइप का खाना नहीं खिला सकता, मेरे को भी बुरा लगेगा, उनको भी थोड़ा टेस्ट चेंज चाहिए। तो काना को आपने इटालियन खाना खिलाना है। आपको लगता है वो इटालियन खाना खाने के बाद बांसुरी ठीक से बजा पाएंगे? अवनीर आपने जो आलू और चीज की जो डिश बनाई है एक क्लीन फ्लेवर वाली एक अच्छी डिश है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है।